दिवाली के दिन कोई अगर आपके घर पर आकर ये चीज़ें मांगे तो भूल कर भी मत देना, आपकी बरकत जा सकती है, समृद्धि लुट सकती है। मैं हूँ उमाश्री, आज एक बेहद खास जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ मित्रों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिए। आप अपनी कुंडली का परामर्श भी ले सकते हैं, 1500 रुपये में आप 2 सवाल पूछ सकते हैं। नॉर्मल डेज में आपको 4200 रुपये 2 सवाल के देने पड़ते हैं। अच्छा खासा अनुभव है मुझे, आप जो भी पूछेंगे वो बात पूर्ण रूप से गुप्त रखी जाती है। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू मुझसे संपर्क कीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, दिवाली के दिन यदि कोई आपके घर से दही मांगने आए जामन का तो भूल कर भी मत देना। कोई यदि दूध मांगने आए तो मत देना। प्याज, टमाटर या कोई सब्जी मांगने आए तो भूल कर भी मत देना। ऐसा करने से घर की बरकत चली जाती है। कोई आपकी ड्रेस मांगने आए कि भाई मुझे पहनने को दे दो तो दिवाली के दिन भूल कर भी मत देना। अब वैसे ही किसी को दान कर दीजिए नई ड्रेस लाकर, अगर आपके पास पैसा है तो, मतलब वो चीज़ आपको फिर वापस नहीं लेनी है ये सोच के दे दीजिए तो ठीक है। लेकिन जो चीज़ आपने किसी को दी फिर वो पहनकर आपको वापस दे के जाए या जाएगी तो ये चीज़ काफ़ी गलत हो जाती है। कोई कितना भी क्लोज हो आपको अपनी चीज़ें नहीं देनी चाहिए, इससे आपके अंदर नेगेटिविटी पैदा होती है क्योंकि वो व्यक्ति अपना ऑरा वापस आपके पास भेजता है। अब उसका ऑरा कैसा है इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा कोई आपके जूते मांगने आता है तो आपको भूल कर भी दिवाली के दिन नहीं देने चाहिए। इसके अलावा दिवाली के दिन कोई सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित कोई चीज़ आपकी मांगने आता है, नहीं देने चाहिए। आप ध्यान रखें कि दिवाली के दिन कोई आपके बगिया के फूल पत्ते इत्यादि भी ना तोड़े। दिवाली से पहले अगर आप चाहें किसी को देना तो ये आपकी मर्जी है, छटाई वगैरह करवा के, लेकिन दिवाली के दिन इन सबको देना मनहूसियत पैदा करता है और घर से खुशहाली का खात्मा करता है। तो इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखें और ये चीज़ें स्पेशली घर के जो पुष्प हैं या घर के जो पत्ते वगैरह हैं वो कोई तोड़ के ना ले जाए आपकी एब्सेंस में, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। इसके अलावा दिवाली के दिन आपके घर से कोई सिल्ला लोड़ी मांग के ले जाए, सिलबट्टा जिसको बोलते हैं, भूलकर भी नहीं देना चाहिए। दिवाली के दिन अपनी ओखली, अपनी चक्की, आटा पीसने की चक्की, ये सब किसी को यूज़ में नहीं लेने देने चाहिए। आपकी रसोई का कोई भी बर्तन दिवाली के दिन किसी को उधार नहीं देना चाहिए। आप दिवाली की मिठाई वगैरह किसी के दिन भिजवाते हैं, जैसे कि अगले दिन आप भिजवाएंगे तो वो बर्तन आप हाथों हाथ ही वापस ले आएँ, क्योंकि बर्तनों पर बहुत ही तांत्रिक क्रियाएँ की जाती हैं। बर्तन आपकी तरक्की और उन्नति का प्रतीक होता है, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। कुल मिला के एक टमाटर और एक आलू देने में क्या जाता है, प्याज देने में क्या जाता है, इस तरह की मानसिकता को बदलिए। मैं यहाँ ये नहीं कहती किसी की हेल्प ना करो, आप 1 किलो प्याज बाजार से खरीद के किसी को दे दीजिए। आप इतने दानदार दातार वाली बात कर रहे हैं ना कि भाई हमने दे दिया तो क्या हो गया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो लोग ऐसा सोचते हैं वो खूब लुटाएं, 5-5 किलो आलू प्याज दे दो किसी को। लेकिन मैं यहाँ बात कर रही हूँ जो आपके रसोई में मौजूद सामान है, जिसको आप लेकर आ चुके हैं पहले, वो आपको नहीं देना है। बाकी आप कितने भी दे दीजिए, इट्स अप टू यू। मैं इसके लिए बाध्य नहीं कर रही आपको, मैं वैसे किसी भी चीज़ के लिए बाध्य नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ जो मुझ में विश्वास करते हैं और जो मुझे हमेशा कहते हैं कि दीदी हमें ऐसी बातें बताइए जिनसे हमारी प्रॉब्लम दूर हो सके, उसी उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको लगता है कि ये बेतुकी बात है तो जैसा आपको सही लगे वैसा करिए, लेकिन जो मेरी बात को मानेगा उसको फ़ायदा तो निश्चित रूप से ही मिलेगा। तो यदि आपको अपने घर की बरकत, उन्नति, तरक्की और घर की खुशहाली की कामना है तो अपने घर की चीज़ों का सम्मान करिए। किसी को भी ये चीज़ें देने का मतलब है कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, ये इसका मीनिंग निकलता है। और भगवान फिर आपको वो क्यों देगा जिसको आप तिरस्कृत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ज़रूरत नहीं है। आप खरीद के दे दीजिए, दूसरों की हेल्प करने को मैं हमेशा प्रोत्साहित करती हूँ आपको। आप दीजिए, जो चीज़ आपसे मांगने आ रहा है उसको खुद मार्केट से लाकर, खरीद कर लाकर दे दीजिए। लेकिन अपनी रसोई से, अपने घर में से ये बरकत बढ़ाने वाली चीज़ें भूल कर भी किसी को मत दीजिए।